पृथ्वी तल से अगर हम किसी वस्तु को किसी वेग से ऊपर की ओर फेंक दें तो वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसकी गणना हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर हमें किसी ऊंचाई तक किसी पिंड को फेंकना हो, पहुंचाना हो, तो हमें किस वेग से उसे फेंकना होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र वो है, पृथ्वी की त्रिज्या आई है और पृथ्वी का द्रव्यमान m है। तो हम लोग जब वस्तु को पृथ्वी तल से यम द्रव्यमान की, मान लो कोई पिंड है या यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यहाँ पर पिंड की जगह वस्तु भी लिख सकते हैं, वो दिशा में फेंके गए वस्तु द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग इसको h ऊंचाई पर इस पॉइंट p तक भेजना चाहेंगे, ये ऊंचाई h ले लें, तो जब हम वस्तु को पृथ्वी तल से p तक भेजते हैं तो यहाँ पर इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो जितनी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पृथ्वी तल से बिंदु p तक आने में बढ़ जाती है, उतनी ही हमें पिंड को गतिज ऊर्जा देनी होती है और इस उस हिसाब से वह h ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो अब हम यहाँ पर पहले पृथ्वी तल से पी बिंदु तक पहुंचने में ये जो यम द्रव्यमान की वस्तु है उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में वृद्धि की गणना करेंगे। तो पहले हम लोग पृथ्वी तल पर u लिखेंगे। पृथ्वी तल पर u बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है वो माइनस जी एमई एम अपान आई होती है। ये हो जाएगी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। और एच ऊंचाई पर जब पहुंच जाएगा तो एच ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी वो जाएगी माइनस जी एमई एम अपान आई प्लस एच। ये आई प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ही आ जाएगी आई प्लस एच। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी तल से पी तक जब वस्तु पहुंचती है, पी पर पहुंच जाती है, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ वाली गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में अर्थात यूएच में यू को बैठा लेंगे तो ऊर्जा में वृद्धि निकल आएगी। तो वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में ऊर्जा में वृद्धि। तो वृद्धि को हम लोग डेल्टा यू से लिखेंगे तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा यूएच माइनस यू, यहां पर वैल्यू रख देंगे तो यूएच की जगह लिखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन आई प्लस एच लिखेंगे और माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आई हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा यू के लिए जी एम ई एम कामन ले लेंगे, जी एम ई एम कामन हो गया तो ब्रैकेट में छूट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में वन अपान आई, तो वन अपान आई को पहले लिख लेंगे, माइनस वन अपान आई प्लस एच को बाद में लिख लेंगे इस तरह से। अब इसको हम लोग ऐसे ही लेके घटा लेंगे तो डेल्टा यू इक्वल आ जाएगा आपका जी एम ई एम और एलसीएम आ जाएगा इसका आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच हो जाएगा, यहाँ से आर ई आई कटा तो आर ई प्लस एच यहाँ आ जाएगा और माइनस आर ई प्लस एच कटेगा तो माइनस आर ई आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आ जाएगा आपका आर ई आर ई यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास जो डेल्टा यू आएगा, डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा जी एम ई एम इंटू एच अपॉन आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच, ये आ जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर पहुंचाते हैं तो उसकी जो गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा में वृद्धि होती है वह जी एम ई एम एच अपान आर ई प्लस एच के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच संबंध पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल जी इक्वल होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैपिटल जी एम निकालें तो कैपिटल जी एम इक्वल हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर और हम लोग कैपिटल जी एम की जगह पर जी आर ई स्क्वायर रख देंगे तो डेल्टा यू जो आएगा बढ़ी हुई जो स्थिति ऊर्जा होगी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वो आ जाएगी एम जी एच एम एम ये रहेगा और यहाँ पर जी आ जाएगा और एच आ जाएगा और ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर अपॉन आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच। अब
एच अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर आर स्क्वायर काट देंगे तो इस तरह से जब किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके जो गतिज स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे तो पृथ्वी तल से पी बिंदु तक पहुंचने में वस्तु की जो वृद्धि स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर। अब इससे ये स्पष्ट है कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से पी पॉइंट तक पहुंचाना चाहें तो हमें इतनी ही ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में लेनी होगी। तो मान लेते हैं कि वस्तु को पृथ्वी तल से पी बिंदु तक भेजने के लिए हमें वी वेग से फेंकना पड़ता है तो वस्तु को दी गई गति ऊर्जा लिखेंगे वी वेग से फेंकने के तो वस्तु को दी गई गति वी वेग से फेंकने पर वस्तु को दी गई गति ऊर्जा तो गति ऊर्जा का सूत्र हम लोग जानते हैं। गति ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ m × v² लिखते हैं। अब इस गति ऊर्जा को हम लोग इस डेल्टा u के बराबर कर देंगे तो अतः आ जाएगा हाफ m² ये जो गति ऊर्जा दी गई थी वो p पॉइंट पर उसकी वृद्धि स्थिति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगी तो m g h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r ये आ गया। अब इसमें हम लोग m m काट देंगे यहां से तो v² इक्वल आ जाएगा 2 g h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। तो इससे अगर हम लोग वेलोसिटी निकालने या ऊंचाई तक फेंकने के लिए आवश्यक वेग तो आ जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन r। तो इस वेग से जब हम लोग फेंकेंगे अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r वेग से फेंकेंगे तो वस्तु या ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि v वेग से फेंकने पर हमें कितनी ऊंचाई पर जाएगा तो यहाँ से हम लोग h बराबर निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए तो h इक्वल आ जाएगा आपका अब v² इक्वल आ गया 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे पहले तो आ जाएगा v² प्लस v² h अपॉन r इक्वल आ जाएगा 2gh। अब हमें यहाँ पर h निकालना है तो h यहाँ पर दोनों साइड में इधर भी है उधर भी तो h एक तरफ कर लेंगे तो इस v² h अपॉन r को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा v² 2gh माइनस v² h अपॉन r। यह अब हम लोग यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे और उसको बाकी जो बचेगा नीचे ले आएंगे तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फिर से कॉमन लेकर तो हम लोग यहाँ पर h का मान ले लेते हैं तो आ जाएगा v² h का मान हो गया तो बचेगा 2g माइनस v² अपॉन r ये आ जाएगा 2gh माइनस v² अपॉन r h का मान हो गया तो h इक्वल आ जाएगा v² अपॉन 2g माइनस v² अपॉन r। तो अगर v वेग से फेंका जाए किसी वस्तु को तो जो हाइट गेन करेगा वो जिस ऊंचाई तक जाएगा उसको हम लोग मैक्सिमम ऊंचाई को इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर चाहे तो r को यहाँ कर लेते हैं तो एलसीएम आएगा वो ऊपर रख सकते हैं तो इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं h इक्वल हो जाएगा v² r अपॉन 2g r माइनस v² इस फार्मूले से हम लोग महत्तम ऊंचाई वी वेग से फेंकी गई
वस्तु द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की गणना कर रहे हैं। तो ये है इसका डेरिवेशन।